गुड मॉर्निंग चुटपुट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से क्या लिखेंगे इंग्लिश में? आज यू साउंड से फिर से एक नया वर्ड सीखेंगे, और वो न्यू वर्ड कौन सा है चलिए जानते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में HUT हर्ट लिखना सिखाया था, जो कि उसका मतलब क्या होता है? झोपड़ी। ठीक है, आज हम लोग एक और न्यू वर्ड लिखना सीखेंगे, तो चलिए जानते हैं वो कौन सा नया शब्द है। तो चलिए आप भी अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालिए बेटा और लिखना स्टार्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे एक लाइन को छोड़ दिया बेटा, जो मैंने लिखा था उसका यहाँ पे दाग आ चुका है, इसलिए मैंने नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ। बी यू टी, ये यू साउंड से है, बी यू टी, बट। बट मीन्स होता है लेकिन। जब भी हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं ना लेकिन, तो उसको इंग्लिश में बट कहते हैं। तो आप भी इसको लिखोगे BUT, बट। और ये यू साउंड से वर्ड हुए, BUT, बट। बट मीन्स क्या होता है? लेकिन, BUT, बट। तो आप भी इसे 3 times रिपीट करोगे। मैंने जैसे 1, 2, 3 times लिखा है, पूरे पेज में लिखकर इसे कंप्लीट करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हिंदी की ओर। हिंदी में मैं बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो से 4 अक्षर वाले शब्द सिखा रही हूँ, जिसमें मैंने टम टम लिखना सिखाया था। आज हम लोग लिखेंगे वो कौन सा नया शब्द है जानते हैं। 4 अक्षर वाले शब्द ऊपर आप लोग मेंशन करोगे, और आज हम लोग लिखेंगे च म च म। 4 अक्षर को मिलाया तो ये क्या बना? च म च म, चम चम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? चम चम। चम चम एक मिठाई का नाम है बेटा, जो आप सब खाए भी होंगे। आप जब मिठाई के दुकान में जाओगे तो वहाँ पे आप लोग को ये ज़रूर देखने को मिलेगा। चम चम एक मिठाई का नाम है ना? तो इसे आप लोग 2 times लिखोगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा है बेटा, इसीलिए मैं इसे 2 बार ही लिखने के लिए बोलूँगी, च म च म। ठीक है, तो इसे आप लोग 2 बार लिखोगे, च म च म, चम चम। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? चम चम। चम चम मिस तो मैंने बताया एक मिठाई का नाम है, जैसे रसगुल्ला, काला जामुन, ये एक मिठाई का नाम है ना, वैसे ही चम चम भी एक स्वीट्स का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में बेटा मैंने आपको यहाँ पे फिलअप दिए हुए हैं, क्योंकि आपका जो है 1 to 100 कंप्लीट हो चुका है, इन वर्ड्स भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने अब कुछ दिन से आपको सोचा रिवीजन दे दूँ, ताकि अगर आप सब बीच में भूल गए होंगे तो इसका ये प्रैक्टिस होता रहे। तो मैंने आपको 1 to 20 प्रीवियस वीडियो में बताया था, आज हम लोग 21 to 40 कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैम को आप बताते जाइएगा, मैम यहाँ पे लिखते जाएंगी, तभी तो पता चलेगा ना आप सबको आती है भी कि नहीं। 21 के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा? हाँ, 2 to 22। तो हम लोग यहाँ पे 22 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे डैश था तो हमें यहाँ पे फिल करना था। 23 के बाद हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे? यस, 24 के बाद क्या आता है? 25। तो ये तो लिखा हुआ है, 25 के बाद हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? यस, 26। चलिए 27 के बाद हम लोग यहाँ क्या फिल करेंगे? यस, 28। एंड 29 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसके बाद हमें क्या लिखना है? क्योंकि यहाँ पे डैश है तो 29 के बाद क्या आता है? यस, 30। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 31 के बाद हमें यहाँ क्या फिल करना है बेटा? यस, 32। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 33 तो लिखा ही हुआ है, अब हमें 33 के बाद जो नंबर आएगा उसे लिखना है। तो 33 के बाद क्या आता है? यस, 34। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 35 के बाद क्या होगा बेटा?
यस 3 6 36, वेरी गुड। 3 7 37 के बाद क्या होगा, चलिए बोलते जाइए सारे बच्चे। यस 3 8 38, तो मैंने यहाँ पे 38 लिख दिया। 3 9 39 के बाद क्या होना चाहिए, यस 4 0 40, तो मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। जब तक ये बेटा आपको काउंटिंग नहीं आएगा, ना ही आपको फिलअप आएंगे और ना ही आपको काउंटिंग आएगा, इसीलिए आपको काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने होमवर्क में राइट काउंटिंग 21 to 40 लिखने के लिए दिया है, तो आप होमवर्क में 21 से लेकर 40 तक काउंटिंग यानी गिनती लिखोगे। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।